हाय गाइस, तो जैसे कि आपको याद ही होगा, मैंने गॉड्स का बैग खरीदा है और वो बैग का रिव्यू मैं आज आपको देने वाला हूँ। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साका राइड्स। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट देयर, एंड लेट्स नॉट वेस्ट अ मिनट एंड स्टार्ट द रिव्यू ऑफ द बैग। अनबॉक्सिंग तो हो गया है बैग का, क्योंकि जैसे ही डिलीवरी आती है मेरे को, मैं पहले बॉक्स खोल के देखता हूँ अंदर सब कुछ ठीक है कि नहीं है। मतलब जो मंगाया था वही आया है क्या? तो हाँ, जो मंगाया है वही आया है और क्वालिटी बहुत अच्छी है बैग की। अनबॉक्सिंग तो प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग वाला नहीं हूँ मैं, पर हाँ एक हॉनेस्ट रिव्यू ज़रूर दूंगा इस बैग का। सो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी ये बैग है गॉड्स जियोन R1। बहुत अच्छी क्वालिटी का बैग है ये। छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है, टैंक बैग है, और इसकी कैपेसिटी बताऊंगा मैं आज आपको। तो यहाँ पे मैंने कुछ सामान रखा हुआ है। ये एक स्ट्रैप्स आते हैं, तो टोटल 3 स्ट्रैप्स आते हैं इसके साथ। और यहाँ पे पॉकेट्स है, यहाँ पे पॉकेट्स है, यहाँ पे भी पॉकेट्स है, इधर पॉकेट्स है, साइड में पॉकेट्स है, और ये साइड में पॉकेट्स है। तो बहुत स्पेसियस बैग है ये। अगर मंगाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने अमेज़ॉन का, वहाँ से आप ये बैग मंगा सकते हो। वैल्यू फॉर मनी है बैग। ऊपर अगर आप देखोगे तो मोबाइल नेविगेशन के लिए दिया हुआ है, इसमें से टच स्क्रीन भी आप यूज़ कर सकते हो। सो ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी है। तो आप ये जो बैग मैंने मंगाया है, ये है मेटल टैंक के लिए। तो यहाँ पे पीछे मैग्नेट्स आए हुए हैं इसके साथ, पावरफुल मैग्नेट्स है। ये एक स्ट्रैप है, तो मैं जैसे बोला था 3 स्ट्रैप्स आते हैं। तो ये स्ट्रैप्स के वजह से आप जो है इसे इजीली कैरी कर सकते हो किधर भी जाना। अगर आप मेटालिक टैंक वाली बाइक यूज़ कर रहे हैं तो ये बैग मंगा सकते हो। प्लस ये नॉन मेटालिक टैंक्स पे भी लगती है, तो मैं आज बताऊंगा आपको स्ट्रैप्स कैसे किए जाते हैं इसे। सो गाइज, ये एक स्ट्रैप है जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है ऑलरेडी। जैसे कि आप देख सकते हो, तो बहुत इजीली ये स्ट्रैप यहाँ पे लगा सकते हो। टैंक के नीचे से लगाना है, और अगेन ये स्ट्रैप भी मैग्नेट के साथ आता है। तो नॉन मैग्नेटिक बाइक रहेगी तो उस पर भी ये स्ट्रैप जा सकता है आपका। और अभी मेन बैग कैसे माउंट करते हैं वो बताता हूँ। सो इस तरह से आपकी ये बैग रहेगी टैंक पे, और ये जो मैग्नेट्स है, ये मैग्नेट्स यहाँ पे आएंगे, ये दूसरा मैग्नेट यहाँ पे लगेगा, फिर ये वाला जो स्ट्रैप है। तो मतलब मैग्नेटिक बाइक पे तो इशू नहीं है। पर ये वाला स्ट्रैप यहाँ से नीचे से यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे लगता है ये स्ट्रैप। और ये दूसरा स्ट्रैप यहाँ पे, तो इस तरह से अपना बैग पूरा माउंट हो गया है टैंक पे। तो नॉन मैग्नेटिक टैंक रहेगा तो भी ये बैग लगने वाला है अच्छे से। सुपर क्वालिटी गॉड्स का ये जियोन R1 मंगाना चाहते हो तो इसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस, बैग का रिव्यू आपको कैसा लगा, प्लीज डू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड लेट मी नो हाउ वाज इट। प्रोफेशनल रिव्यू देने वाला नहीं हूँ, पर एक हॉनेस्ट रिव्यू ज़रूर दिया है मैंने। मतलब एक महीने से बैग यूज़ कर रहा हूँ, कुछ कंप्लेंट्स नहीं है बैग के बारे में। सो गो फॉर इट इफ़ यू आर प्लानिंग। वैल्यू फॉर मनी है, चीप रेट पर है, 2000 तक आ जाती है, मतलब 2000 के अंदर मिलेगी। सो ये था रिव्यू गॉड जियोन R1 बैग का। इफ़ यू वॉन्ट, ऑर्डर इट सून बिफोर इट गोज आउट ऑफ स्टॉक। एंड
Thanks for watching today's video, and if you like the video, you know what you have to do: like, share, subscribe my channel. That's Saka Rides on YouTube.